इसमें सबसे फेवरेट सॉन्ग देखा जाए तो एक नहीं दो हैं जो दोनों एक ही पायदान पे मेरे को दिखते हैं। बाकी तो सभी गाने बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो दो गाने हैं जो एक ही पायदान पे मैं रखता हूँ, उसमें एक तो माँ का गाना है जो इमोशनल है, और दूसरा है कव्वाली है, अल्लाह सुकून बख्श दे अल्लाह। नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैं एक राज के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ गानों का। एक महमूद भाई ने एक पिक्चर अपनी बना रहे हैं, उसके लिए उन्होंने मुझे ऑफर किया है कि इसके आप गाने लिखें। तो दो प्रोजेक्ट अभी मेरे पास हैं जिनको मैं काम कर रहा हूँ एज ए लिरिस्ट राइटर। थैंक यू। चुटकी बजा के एक फिल्म बेस्ड है चाइल्ड लेबर पर, और इंडियन फिल्म जो बच्चों की फिल्म रही है, चिल्ड्रन फिल्म रही है, उन्होंने ओवरसीज़ में और इंक्लूडिंग इंडिया में बहुत अच्छा बिजनेस किया है। जैसे सलाम बॉम्बे नेशनल अवार्डेड फिल्म थी, स्लम डॉग मिलियनर, तारे ज़मीं पर, चिल्लर पार्टी, स्टेनली का डब्बा। पहले हिंदुस्तान में बच्चों की फिल्म का एक मार्केट नहीं था जो अब बना है। तो ये फिल्म मुझे, जब मैंने फिल्म के बारे में सुना और मुझे पता चला कि ये फिल्म में बेस बनाया गया है चाइल्ड लेबर को, और साथ में अच्छी फैंटेसी के साथ में, क्योंकि मुद्दा बहुत सीरियस है, और सीरियस मुद्दे को किस तरीके से लाइटली पेश करना, जब ओवरऑल पिक्चर का मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये परफेक्ट फिल्म है कि मैं वर्ल्ड लेवल पर इसको पहली बार अपने बैनर में रिलीज़ करूँ। तो सर, आपने कभी, जैसे कि एक चाइल्ड लेबर था, जी तो आपने कभी अपने लाइफ में ऐसा डे मस्ती के लिए किया है? डेफिनेटली चाइल्ड लेबर वो एहसास हमें इसलिए जागता है कि ऊपर वाले के कर्म से अच्छी फैमिली से रहे हैं हम, लेकिन मस्ती करने के लिए बाहर निकल जाते थे दोस्तों के साथ में और पैसे कमा लेते थे थोड़े बहुत यहाँ वहाँ मस्ती करके। तो वो चीज़ें थी, हमने तो मस्ती में किया था, लेकिन जेन्युइनली आज हम रास्ते पर कई बच्चों को काम करते हुए देखते हैं और उनके बचपन को उन काम के अंदर खोते हुए देखते तो बहुत बुरा लगता है। और एक मैसेज जाना चाहिए सोसाइटी को, हमारा भी फर्ज बनता है सोसाइटी के लिए कि नहीं, अगर फिल्म कमाने के लिए है तो हमारे सोसाइटी के लिए भी हमारा फ़र्ज़ है। तो इस तरीके की फिल्में बनना चाहिए और इसको तरीके से रिलीज़ होना चाहिए। क्या लगता है सर, लोग मतलब जैसे एंटरटेनमेंट मूवी बहुत आती है जी, देखिए बहुत मशहूर डायलॉग है कि फिल्म 3 वजहों से चलती है, इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट। उसने डिफाइन नहीं किया था किस तरीके का इंटरटेनमेंट। अगर जो लोग समझते हैं, पर्टिकुलर ऑडियंस है जो उस तरीके का इंटरटेनमेंट चाहती है, अगर रियल इंटरटेनमेंट देखना है, और हर इंसान अपने बचपन से गुजरता है और हर इंसान की ज़िंदगी में उसके बच्चों की शक्ल में बचपन आता है, तो मुझे लगता है इस तरीके की फिल्में देखना चाहिए और इस तरीके की चीज़ों को सोसाइटी के लिए कम से कम देखकर इन चीज़ों को रोकना चाहिए। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? डेफिनेटली मेरी ऑडियंस से एक ही तमन्ना है कि अपने बचपन को याद करें, या अपने आने वाले बचपन अपने बच्चों की शक्ल में याद करके इस तरीके की जो चीज़ें हो रही है सोसाइटी में चाइल्ड लेबर, उसको रोकने की कोशिश करें। और चाइल्ड लेबर के साथ साथ में इस फिल्म में जो प्लस पॉइंट्स है, म्यूज़िक इसका बहुत खूबसूरत म्यूज़िक है, बहुत खूबसूरत गाने हैं, तो इसमें पूरा पैकेज मिलेगा। ऐसा नहीं कि गए और एक चाइल्ड लेबर की सीरियस फिल्म देख कर आ गए, ऐसा नहीं है। एक फैंटेसी है, बच्चों को एक तावीज़ मिलती है और तावीज़ के ज़रिए किस तरीके से वो चीज़ें चेंज करता है, तो खूबसूरत इंटरटेनमेंट है। और अपने घर से निकल के अपने बच्चों के साथ ये फिल्म देखे, ताकि वैल्यू ऑफ पेरेंट्स और वैल्यू ऑफ चाइल्डहुड समझ में आए। आने वाले प्रोजेक्ट्स मेरे, अभी जैसे मैंने तेज़ रिलीज़ की है, फैट्सो रिलीज़ कर रहा हूँ ओवरसीज़ पूरा, अब तक 150 फिल्में डॉन सारी फिल्में की है। तो आने वाले प्रोजेक्ट में मेरी एक फिल्म आ रही है कसकाए मुंबई, पहली बार रवि किशन मराठी फिल्म में नज़र आएंगे, तो काफ़ी है लाइनअप से अच्छे। थैंक यू।